तो नवंबर मंथ की शुरुआत हो चुकी हुई है। थोड़ी बहुत ग्रॉसरी तो सभी के यहाँ आती है, तो मेरे यहाँ भी आई हुई थी, तो बस मुझे उसे लगाना था। बाकी दो चार दिन से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम वगैरह चल रहा था, तो मेरी सास बनवाया करती थी बेसन का हलवा, तो मैंने भी दो तीन दिन वो ट्राई किया और मतलब मुझे थोड़ा फ़र्क लगा उसको हलवे को खाने से ना। बेसन जो है वो थोड़ा सा कोल्ड में फ़ायदा करता है। तो ये आ चुकी हैं आज सब्जियाँ। ये मैंने लिए हरी मिर्ची, इसका मैं डालूंगी अचार। अभी कल इनको डंडियाँ तोड़ूंगी इनकी और इनको सुखा दूंगी अच्छी तरीके से। ये तो पहले ही टूटी हुई है डंडी, ये सारी डंडियाँ तोड़ के और फिर इनको सुखाऊंगी। और ये थोड़े से लिए थे मैंने सिंघाड़े, और ये सब्जियाँ हैं सूख जाएंगी तो मैं इनको फिर फ्रिज में रखूँगी। और कल बनेगा साग। साग मैं कटवा के नहीं लेती हूँ, घर में ला के पहले इनको धोती हूँ, उसके बाद जब इनका पानी निकल जाता है सारा, उसके बाद मैं इनको काटती हूँ और फिर चढ़ाती हूँ। राधे राधे सभी को, और आप सब लोग कैसे हैं? और भैया दूज के बाद से मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और अगले दिन से ही मुझे थोड़ी थोड़ी सी खांसी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद फिर कोल्ड हो गया और फीवर भी आएगा ही, वो तो मैं कोई वीडियो भी शूट नहीं कर पाई। और ये इस समय पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि मेरी जिससे भी बात हो रही है ना, सब यही कह रहे हैं कि खांसी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखें, मास्क वगैरह दोबारा से पहने। और एक चीज़ ये भी हो रही है ना कि जैसे अब मास्क लोगों ने लगाने मतलब बंद कर दिए ना, तो अब दोबारा से उनको पहनने में भी थोड़ी सी हिचक सी हो रही है कि अब फिर से मास्क पहनना पड़ेगा या क्या है। पर फिर भी मतलब प्रिकॉशन के लिए मास्क हमें ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत बचाव उससे हो जाता है, क्योंकि सांस की भी दिक्कत हो रही है ना इस समय, इतना पोल्यूशन वगैरह हो रहा है। तो कल आ गई थी सब्जी हमारी, और आज फिर सारा काम है उसको समेट के रखने का। धो दी थी सब्जियां, धो दी थी सारी और सुखाने के लिए भी रख दी थी। आज उनको सारा डब्बे वगैरह में लगा के रखूँगी सब्जियों को, और मैं साग लेके आई थी तो साग भी बनाऊँगी। और अभी मैं सिर्फ नहाई हूँ और टाइम मेरे ख्याल से 12:20 हो चुके हैं और मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी जाके। तो चलिए फिर बनाते हैं अपना नाश्ता। और मेरा चैनल अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आज मैंने बनाया था बैंगन का भरता और साथ में हस्बैंड को दिया था रायता। और अपने लिए बनाने वाली हूँ मैं मूली के पराठे, साथ में डालूंगी प्याज और ये धनिया। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा उसमें डाली है मैंने मिर्ची, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है कि मुझे थोड़ी कम ही अच्छी लगती है हरी मिर्च। बस ये नमक मिर्च डाल के और इनको पराठों को बना दूँगी। पराठे के साथ साथ मैं चाय भी बनाऊंगी, तो चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो फिर मैंने उसमें ना उनकी कंप्लेंट करी कि जब मैंने आपको जीरा आलू गोभी का ऑर्डर दिया था, तो भाई मतलब आपने जीरा आलू क्यों दिए? तो उन्होंने मेरे को ना फिर वो मैसेज भेजा है कि मतलब 180 का खाना आप मंगवा लेना, फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा आपका, आप जब भी कभी खाना मंगाओगे, 1 महीने तक वैलिड है वो।
तो मतलब ये गलत बात है ना यार, जो हम ऑर्डर क्या देते हैं, ये भेजते क्या हैं, आपके पास नहीं है तो आप मना कर दो कि हम नहीं भेज सकते। नहीं, ये तो गलत बात है ना, हम तो कुछ और मंगवा रहे हैं, आप भेज कुछ और रहे हो। आप लोगों के साथ भी ये होता होगा ना कि आप ऑर्डर कुछ देते हैं और आपके घर पे आता कुछ और है। तो मुझे भी बड़ा गुस्सा आया जब मेरे पास जीरा आलू आए आलू गोभी की जगह, तो मैंने तो कंप्लेंट डाली उसकी। ये कोई बात थोड़ी होती है। साथ में बना रही हूँ चाय। तो ये तैयार हो गए मेरे पराठे और ये मेरी चाय। एक चाय मेरे बेटे की है, पहले उसे दे आती हूँ। तो मैंने तो बना लिए अपने लिए मूली के पराठे, और आइए आप लोग भी खा लीजिए। खा तो नहीं सकते पर अपने घर में भी आप बनवाइए, इंजॉय कीजिए। मेरी बेटी छोटी थी ना, तो वो मेरे से अचानक से कुछ भी डिमांड कर देती थी खाने के लिए कि मम्मी आज वो बना लो, आज वो बना लो। तो मैं उसको ये बोलती थी, मैंने कहा तू पहले ये बता तो देख के कहाँ पर आई है। फिर बोलती थी मम्मी ताई जी बना रही हैं, वो बना रहा है, कोई और बना रहा है। मैंने कहा था तो एकदम से मेरे से कह देती है कि ये बना दो वो बना दो। तो चलिए जी एंजॉय कीजिए, मैं भी नाश्ता करके फिर मिलती हूँ आपसे। इसके साथ साथ अगर आप पराली बेल्ट की बात करें के साथ साथ जो शहरी क्षेत्र हैं हरियाणा के गुड़गांव फरीदाबाद पलवल, यहाँ का AQI लेवल खट्टर सरकार का भी कई सारे सवाल उठा रहा है, और प्रदूषण की जो समस्या है वो एक नॉर्दर्न इंडिया की समस्या। मिर्ची मैंने धो के अच्छी तरीके से ना सुखा ली थी, और अब मैंने इनकी डंडियां भी तोड़ दी हैं। मत कर, ज्यादा बात करने दे मेरे को। अरे तो दिखाऊं नहीं। तो ये मैं अभी आज के लिए और इसको छोड़ूंगी थोड़ा सा हवा लगने के लिए, क्योंकि धूप तो मैंने दिखानी नहीं है इनको। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा स्टोर भी करूंगी और अचार डालूंगी इसका थोड़ा सा।